सबसे पहले तो मैं प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन, जिसे बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं, इस नोटबंदी के सवाल को लेकर सरकार के इंटेंशन पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया है, इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हां, यह सच है कि लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि इसका इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए वह शायद इन लोगों के सोच के आधार के अनुसार वो नहीं हो पा रहा है। तो एक एक मान हो गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, हम इस पर बहस करने को अभी बहस करने को हम इस पर तैयार हैं, और हम यह जानना चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहां पर क्या कठिनाई पैदा हो रही है, क्या अड़चनें पैदा हो रही हैं। और मैं प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन की कठिनाइयों से सदन को प्रतिपक्ष अवगत कराएगा, उसका यथासंभव निराकरण करने की हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। और जो भी यह फैसला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है, यह राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर फैसला किया है। देश की अर्थव्यवस्था को एक ताकत देने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला किया है। काले धन की एक पैरेलल इकोनॉमी की जो चर्चा होती थी, उसे समाप्त करने के लिए यह फैसला किया है। आतंकवाद, माओवाद, उग्रवाद की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, और जिस तरीके से ब्लैक मनी की और फेक करेंसी की सप्लाई हो रही थी, उसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि अब यह किस मैंने नियम की बात छोड़िए, देखिए आप सबने प्लीज कल्याण जी बात तो सुनना चाहिए। प्लीज बैठिए, आप पूरा कीजिए। प्लीज बैठिए कल्याण जी प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस, ओनली राजनाथ जी, केवल जो राजनाथ जी बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। ऐसा मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है। आई एम सॉरी राजनाथ जी, प्लीज कंप्लीट बैठिए, प्लीज बैठिए। कल्याण जी क्या है ये? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने देखा कि बहस किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। इस प्रश्न पर भी यह पूरा का पूरा अपोजिशन डिवाइडेड है, एक ओपिनियन भी नहीं है कि इस पर जो इस नियम के अंतर्गत होना क्यों है, है, है? क्योंकि मैं देख रहा हूं, जैसे हमारे जितेंद्र जी ने यह बात कही है कि नियम का प्रश्न नहीं है, हम बहस चाहते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में यदि कहीं पर कोई कमी रह गई है उसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। और मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं पर सरकार के पार्ट पर यदि कोई कमी रह गई होगी तो हम उसे ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे जो यह फैसला हमारा है वह राष्ट्र के हित में लिया गया फैसला है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि, और प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया अब अध्यक्ष महोदय पर छोड़िए, जिस भी नियम के अंतर्गत चर्चा कराना चाहती हूं अथवा बिना नियम के चर्चा कराना चाहती हूं, तो चर्चा अब हम सबको प्रारंभ करनी चाहिए। मैं खड़गे साहब आपसे भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं, सत्ता पक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, कृपया अब चर्चा को प्रारंभ करें और आप ही इसका शुभारंभ करें। खड़गे साहब, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें आमंत्रित करें और चर्चा प्रारंभ की